हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये यमी सी बर्फ़ी। तो दोस्तों, ये है बादाम बर्फ़ी, जो कि बहुत जल्दी सिर्फ 15 मिनट में बन जाती है। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो दोस्तों, बादाम बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 250 ग्राम बादाम, 200 ग्राम के करीब चीनी, मिल्क पाउडर है आधी कटोरी के करीब, और 2 चम्मच देसी घी। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। मैंने मिल्क पाउडर इसलिए लिया है कि इससे इसके टेस्ट में थोड़ा फर्क पड़ेगा। टेस्ट जो है इसका बहुत ज़्यादा मतलब रिच हो जाएगा मिल्क पाउडर डालने से। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब बादाम पीसते हैं तो उसमें मिल्क डाल लेते हैं। तो मैं बादाम पीसते हुए मिल्क नहीं डालूंगी, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते तो जब हम इन बादामों को पीसेंगे आप उसमें ज़रूरत के हिसाब से फुल क्रीम मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पानी रखा है बॉयल होने के लिए, और ये जो बादाम हैं इनको दूसरे बाउल में डाल रही हूँ, और इसमें हम ये बॉइलिंग वाटर ऐड करेंगे। तो अब ये जो उबला हुआ पानी है ये इन बादामों में डालकर और सोक करने के लिए रख देंगे, ताकि इनका छिलका आसानी से निकाल पाएँ। इसको ढक के 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे जो आलमंड्स हैं उनका छिलका निकल रहा है आराम से कि नहीं। तो देखिए, बहुत आराम से हल्का सा प्रेस करेंगे तो इस तरीके से छिलका निकल आएगा। तो ऐसे ही सबका छिलका मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, सारे बादामों का छिलका रिमूव हो चुका है, और अब इनको मिक्सी में डाल के इनका एक फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, 1-2 चम्मच पानी डाल के फाइन सा पेस्ट बनाएंगे इनका। मतलब बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना, थिक सा पेस्ट बनाएंगे फाइन। तो लीजिए, मैंने इसका पेस्ट बना लिया, और देखिए बिल्कुल स्मूथ एकदम, जिस तरीके से चटनी होती है ऐसा ही पेस्ट हमें बनाना था। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो भी पेस्ट है इसको सारे को निकाल के पहले हम कढ़ाई में डाल लेंगे। क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे लगने लग जाता है, तो पहले सारा पेस्ट आराम से निकाल लेंगे। ये दोस्तों, मैंने सारा पेस्ट कढ़ाई में निकाल लिया, और ये जरा सा पानी है, यानी कि लगभग 4 छोटे चम्मच के करीब पानी है, ये भी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वैसे फ्रेश मिल्क नहीं यूज़ किया। और अब ये जो शुगर है ये भी, अभी मैंने कढ़ाई को गैस पे नहीं रखा, किचन काउंटर पर ही है कढ़ाई, और अब इसको हम गैस पर रखेंगे। लीजिए, मैंने कढ़ाई को रख लिया है गैस पर, और बहुत लो फ्लेम है। और ये जो घी है इसमें मैं डाल रही हूँ अभी 1 टेबल स्पून के करीब, और बाकी का बाद में डालूंगी। थोड़ा सा ही घी लगता है इसमें, ज़्यादा घी नहीं लगता। और अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और पकाएंगे एकदम थिक होने तक, और गैस को लो ही रखेंगे, हाई हीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपकने लग जाता है। वैसे तो बादाम का अपना ही बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, अगर आप चाहें तो इसमें इलायची डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालूंगी। शुगर मेल्ट होने लगी है और ये पकना स्टार्ट हो गया है। तले तक अच्छे से घुमाते हुए पकाएंगे, नहीं तो जहाँ पे हम छोड़ेंगे ये वहीं पे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है, और शुगर के मेल्ट होते ही ये थोड़ा रनी लग रहा है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, ये अभी पकते पकते बहुत ठीक हो जाएगा। और अभी तो हमें इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड करना है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बिंदास होकर बनाइएगा इस बर्फी को। बस ऐसे ही पकाते जाएंगे इसको, और जब ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा फिर मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। तो दोस्तों, अब ये थिक होने लग गया है, और इस टाइम पर इसमें ये मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और चलाते जाएंगे।
बस मैंने इसमें मिल्क पाउडर मिक्स कर दिया और बचा हुआ जो 1 स्पून घी था वो भी इसमें ऐड कर दिया। और अब हम इसको अच्छे से तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से एक डो की फॉर्म में ना आ जाए। दोस्तों अभी बहुत ठीक हो चुका है और ये जमेगा या सेट होगा या नहीं ये देखने के लिए मैं थोड़ा सा मिक्सचर जो है एक कटोरी में डालकर और इसको हाथ में लेकर देख लूंगी कि इसका डो जैसा बन रहा है कि नहीं। तो देखिए ये अभी थोड़ा चिपचिपा ज्यादा है तो यानी कि ये अभी सेट नहीं होगा तो इसलिए इसको 2 मिनट और कुक करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये अब बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, मैंने इसको 3 मिनट के करीब और पकाया और अब गैस को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं किसी थाली या ट्रे में। लीजिए दोस्तों मैंने इसको एक थाली में बटर पेपर लगा के और उस पर थोड़ा सा घी लगा के और इसको फैला दिया है और अब इसको रख देते हैं कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए, फिर इसके पीसेस कट करके देखते हैं ये कैसे निकलते हैं। तो लीजिए दोस्तों बर्फी हमारी हो चुकी है सेट, तो इसको निकालते हैं आराम से और इसमें से निकालते हैं पीसेस। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको काफ़ी थिक रखा है, आप चाहें तो अपने हिसाब से इसकी मोटाई रख सकते हैं। बहुत सॉफ्ट बनी है ये। देखिए मैंने इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स थे वो निकाल दिए और अब मैं इसको ऐसे साइड से कट कर रही हूँ। लीजिए दोस्तों मैंने बर्फी को कट कर लिया और देखिए कितने नीट एंड क्लीन पीसेस निकले हैं और बहुत सॉफ्ट है। मैं एक पीस आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, ये देखिए एकदम माउथ मेल्टिंग। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आज का बादाम बर्फी का वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।